तो गलवान में चीनी सेना से झड़प के ठीक 2.5 साल बाद एक बार फिर से भारतीय सेना ने चीनी सेना पीएलए को मुंहतोड़ जवाब दिया है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग के नजदीक एलएसी पर जबरन भारतीय सीमा में घुस आए चीनी सैनिकों को भारतीय सेना ने रोक दिया। इस दौरान चीनी सैनिकों से झड़प भी हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई घंटों तक हुई इस झड़प में चीनी सेना के कई जवान घायल हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक चीनी सेना से पहली झड़प 9 दिसंबर को हुई, फिर दूसरी झड़प 11 दिसंबर को हुई और इस दौरान चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर पत्थरबाजी की है। भारतीय सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए पत्थर फेंकने वाले चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया। सूत्रों के मुताबिक तवांग में दोनों ओर से करीब 1000 सैनिक आमने सामने थे। सूत्रों के मुताबिक 17,000 फीट की ऊंचाई पर तवांग में करीब 3 घंटे तक हुई झड़प में भारतीय सेना ने एक बार फिर से पराक्रम दिखाया और चीनी सैनिकों को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। तो इस पूरे तवांग में क्या हुआ आपको ग्राफिक्स के जरिए भी समझा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारतीय और चीनी सैनिकों में टकराव हुआ। 9 दिसंबर को 3 घंटे से अधिक यह टकराव चला। पीएलए के 1000 सैनिक तवांग सेक्टर में एक चोटी तक पहुंचने की कोशिश में थे। एलएसी पर दोनों तरफ से 1000 से ज्यादा सैनिक आमने सामने आ गए। पीएलए ने एलएसी क्रॉस करने की कोशिश की तो झड़प की नौबत आ गई। 10 से ज्यादा चीनी सैनिक ऐसे हैं जो घायल हो गए हैं। चीनी सैनिक 1000 की संख्या में हथियारों के साथ पूरी तैयारी में थे। तवांग सेक्टर में 17,000 फीट की ऊंची चोटी पर चीन की कब्जा करने की कोशिश थी। तवांग सेक्टर से भारत चीन बॉर्डर की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है। तवांग सेक्टर से एलएसी तक सिर्फ एक ही सड़क है और अब यह कहा जा सकता है कि चीन की तरफ से यह बड़ी साजिश है जिसे नाकाम कर दिखाया है देश की सेना ने, क्योंकि यह कहा जा रहा है बड़ी संख्या में सैनिक थे चीन की तरफ से, लगभग 1000 सैनिक जिनकी कोशिश थी कब्जा करने की, सेना पर पत्थरबाजी की गई लेकिन भारतीय सेना की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया गया, पत्थरबाजी करने वाले सैनिकों को खदेड़ा गया। इनकी हमेशा से यह आदत रही है कि वो विस्तारवाद में विश्वास रखता है और विस्तारवाद मतलब दादागिरी करके। लद्दाख में हम देख रहे हैं कि काफी दिनों से, काफी साल से ये स्टैंड ऑफ चल रहा है भारत और चीनी सैनिकों के बीच में, और गलवान भी हमने देखा है। लेकिन गलवान में जिस तरह से हमारे भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को बहुत कड़ी टक्कर दी थी और उन्हें परास्त किया था एक तरह से, तो उसी प्रकार से चाइना अभी थोड़ा सा डरा हुआ है। बार बार चाइना हमारे देश के अंदर घुसने की कोशिश करता है। 9 दिसंबर को भी यह हुआ था कि तवांग में अरुणाचल के बॉर्डर के ऊपर चीनी सैनिकों ने अंदर घुसने की कोशिश की और हमारे सैनिकों ने उन्हें पीछे धकेला है। और चाइना ये फिर से ना करे इसके लिए कमांडर लेवल के टॉक्स हो रहे हैं, फ्लैग मीटिंग्स हो रहे हैं। अभी तो सिचुएशन शांत है लेकिन जो सिचुएशन आगे चल रही है, जो बन रही है, जो टेंशन है बॉर्डर के ऊपर, इसका समाधान ये होना चाहिए, वरना चाइना को ये पता है कि भारत उसे मुंह तोड़ जवाब देगा और भारत अभी सुनने वाले देशों में से नहीं है। 9 दिसंबर को हिंदुस्तान और चीनी ट्रूप्स के बीच में तवांग के एरिया में झड़प हुई है। चीन की सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस करने की कोशिश की, हिंदुस्तान के सैनिकों ने डट कर उनका मुकाबला किया और उस झड़प में कुछ हमारे सैनिक घायल हुए और चीन के ज़्यादा सैनिक घायल हुए। उसके बाद दोनों कमांडर्स के बीच में फ्लैग मीटिंग हुई और फ्लैग मीटिंग के बाद में वहाँ डिसएंगेजमेंट हो गया और दोनों सेनाएं अपनी अपनी जगह पर लौट गई हैं। लेकिन 2006 से लेके इस इलाके में अनेकों बार झड़पें हुई हैं क्योंकि दोनों साइड का जो परसेप्शन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का वो अलग अलग है और दोनों साइड अपने अपने परसीव्ड परसेप्शन के मुताबिक पेट्रोलिंग करती हैं। लेकिन हिंदुस्तान ने साफ तौर पर कहा कि हम किसी प्रकार से 1 इंच लैंड को भी ऑक्यूपाई नहीं करने देंगे और हिंदुस्तान ने जिस माफी कार्रवाई की है, चीन को साफ तौर पर नजर आना चाहिए कि आज का भारत जो है 1962 का भारत नहीं है। हम हर प्रकार से तैयार हैं उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। इनको रोकने के लिए हमें अभी, जैसे हमारे सैनिकों ने एक बहुत ही जबरदस्त, जिसे कहते हैं मुंह तोड़ जवाब दिया है, यही पॉलिसी रखनी पड़ेगी। और साथ में जैसे हमारे सी रूट्स हैं मलाका के थ्रू जाते हैं, जहां जितनी शिपिंग होती है टूवर्ड्स चाइना फ्रॉम मलाका स्टेट, उसके ऊपर भी हमें कोई ना कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी। इनको दबाना पड़ेगा, इनको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो ये जो है हमेशा
आने वाले समय में ऐसी प्रॉब्लम्स करते रहेंगे। हमने पहले भी देखा है गलवान के अंदर उन्होंने किया, अब फिर आज कर तवांग के अंदर कर दिया है, क्योंकि अगर तवांग का एरिया देखा जाए तो बहुत ही वो स्ट्रेटेजिकली संवाददाता अजय जांडियाल की रिपोर्ट। है जिसमें भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है, जिसमें कई चीनी सैनिक जो हैं वो जख्मी हुए हैं। जानकारी के मुताबिक 9 दिसंबर का ये वाकया है जब भारतीय सेना जो है वो तवांग इलाके में जहां पर तैनात रहती है ऊंचाई पर वहां पर थी एलएसी के इलाके में, वहीं पर चीनी सैनिकों के लगभग 600 की तादाद में जो है वो सोल्जर वहां पहुंचे और उन्होंने आकर भारतीय सेना पर हमला किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने जो है वो दमखम दिखाते हुए चीनी सैनिकों पर जवाबी कार्रवाई की, जिसमें कई चीनी सैनिक जो है वो जख्मी हुए हैं। इस कार्रवाई में 6 भारतीय सैनिक भी जख्मी हुए हैं, जिन्हें वहां से गुवाहाटी अस्पताल जो है वो ले जाया गया है इलाज के लिए। आपको बता दूं ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी जो है कई बार अरुणाचल हो या लद्दाख के एलएसी के इलाके में चीन इस तरह की हरकत करता रहा है, जिसका मुंहतोड़ जवाब जो है भारतीय सेना जो है वो देती रहती है। आपको ये भी बता दूं कि इस इलाके में पिछले कुछ सालों में भारतीय सेना जो है उन्होंने अपना जो है डिप्लॉयमेंट को जो बेहतर किया है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेहतर हथियार जो है उनके पास हैं, जिस कारण जो है चीन की इस कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। आपको ये भी बता दूं कि जो ताज़ा जानकारी है और जो प्रेस स्टेटमेंट जो भारतीय सेना की तरफ से दिया गया है, उसमें ये कहा गया है क्योंकि ये इलाका ऐसा है जहां पर 2006 से यहां पर डिप्लॉयमेंट है, और आपको बता दूं प्रेस रिलीज में ये बताया गया है कि इस इलाके में जो है कई बार जो है ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि यहां पर जो एलएसी है वो डिफाइंड नहीं है, इस वजह से शायद इस तरह की चीज़ हुई है। मगर जब भारतीय सेना के जो लोग थे वहाँ पर तैनात थे और चीनी सैनिक जब वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने इस इलाके में भारतीय सेना के साथ जो है वो वहाँ पर इस इलाके को जो है पर सवाल उठाए, जिसको लेकर भारतीय सेना के जवानों ने भी कार्रवाई की, इसी में कुछ लोग जख्मी हुए हैं। मगर जो है भारतीय सेना ने एक बार फिर दिखाया है कि वो अब 1962 की सेना नहीं है और वो लगातार तैयार हैं किसी भी तरह से दुश्मन की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए, जिसका सबूत जो है इन्होंने गैलवान और पेंगोंग के बाद आज अरुणाचल प्रदेश के तवांग में दिया है। अनुज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। और इससे पहले 7 दिसंबर को विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन की चालबाजियों पर संसद में बयान दिया था। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विदेश मंत्री ने कहा था कि एलएसी में एक तरफा बदलाव की कोशिशों को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही कहा था कि एलएसी पर अगर उसने कोई हिमाकत की तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सुनिए सर। The line of actual control, and that so long as they continue to seek to do that, and if they have built up forces which in our minds constitute a serious concern in the border areas, then our relationship is not normal, and the abnormality of that has been in evidence in the last few years. Meanwhile, the military commanders continue to engage each other, and I think given the sensitivity of that matter, it is something which is left to the military commanders to deal with, and I think the House should be understanding of the national sensitivity of such a delicate matter. कांग्रेस ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प की खबर है। वक्त आ गया है कि सरकार ढुलमुल रवैया छोड़कर सख्त लहजे में चीन को समझाए कि उसकी ये हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पहले चीन ने दुस्साहस करके कब्जा किया था। अनकन्फर्म्ड खबरें ये आ रही हैं कि डोकलाम के अंदर भी चीन ने दोबारा कब्जा कर लिया है। चिकन्स नेक तक, जिससे हमारे सातों उत्तर पूर्व के प्रांतों की सुरक्षा खतरे में पड़ती है, चीन ने सड़कें बना ली हैं।
परमानेंट स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं। लद्दाख में हमारे बॉर्डर पर अनेकों शेल्टर्स बना लिए हैं, वो सारे मैप्स जो हैं हमने रिलीज किए थे, पर ना रक्षा मंत्री कुछ कहते ना प्रधानमंत्री कुछ कहते। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है और मोदी सरकार चुप बैठी है, अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट रही है। हमारी मांग है संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी प्रधानमंत्री खुद लोकसभा और राज्यसभा में सामने आकर चीन ने जिस जिस क्षेत्र में अनाधिकृत कब्जा किया हमारी सरजमी पर उस पर जवाब दें और बताएं कि 2 साल पहले की यथास्थिति कब तक वो लागू करेंगे, क्योंकि यहां तो ये भी कहा जा रहा है कि अब चीन ने तो मोदी सरकार से बात तक करने से इनकार कर दिया।